नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे कैरी का अचार। आज के अचार में हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप भी इस तरह से एक बार कैरी का अचार बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैरी के अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 पाव कैरी लिए है। कैरी को हमने अच्छी तरह धोकर पोंछकर काट लिया है। अब हम कैरी में 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच नमक। हमें कैरी को किसी चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लेना है। कैरी को नमक हल्दी के साथ मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना करें, किसी चम्मच का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हाथों में कई बार नमी रह जाती है, इसकी वजह से अचार खराब हो सकती है। चम्मच भी आप सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें, गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें, इससे अचार खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको कैरी को चम्मच से मिलाने में परेशानी होती है तो आप उसे इस तरह से भी मिला सकते हैं। इस तरह से भी कैरी नमक हल्दी के साथ में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। अब हम कैरी को किसी साफ कॉटन के कपड़े, वो जो हल्के हो, उस कपड़े से अच्छी तरह बांध देंगे। अब हमें इस कैरी को 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह रखना है। हमने कैरी को 5-6 घंटे तक इसी तरह ढककर रख दिया था। अब हम इसके कपड़े को खोल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैरी में से बहुत ही कम पानी निकला है। अब हम इन कैरी को किसी एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें कैरी को किसी एक प्लेट में निकाल लेनी है। मैंने यहाँ पे कम कैरी लिए इसलिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, यानी कि प्लेट में सुखाऊंगी। अगर आप ज़्यादा कैरी लेते हैं तो आप उस हिसाब से सुखाएं। कैरी को निकालते वक्त भी अगर आप हाथ से निकालें तो आपका हाथ सूखा होना चाहिए, हाथ में बिल्कुल पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर चम्मच से कर रहे हैं तो चम्मच भी अच्छी तरह से सूखी होनी चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगी। जिस बर्तन में कैरी को सुखाएंगे वो प्लेट हो तो उसे अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद ही कैरी डालें। और कैरी की पीछे की ग्रीन वाले हिस्से को नीचे रखें, इससे अचार के टाइम भी ये ग्रीन वाला हिस्सा ग्रीन ही रहेगी। हमारे कैरी में से जो पानी निकला है इसे हम फेंकेंगे नहीं, किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम कैरी को 4 से 5 घंटे तक अच्छी तरह धूप में सुखा लेंगे। खड़े मसाले में हमने लिए 2 चम्मच साबुत धनिया, 5-7 लाल सूखी मिर्च, 10-12 काली मिर्च, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कलौंजी, 10-12 लौंग, 2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा। अब हम मसाले को धीमी गैस पर भून लेंगे। अब हम सारे साबुत मसाले को एक साथ डाल देंगे। मसाले को हमें धीमी आंच पर भूनना है। मसाले को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल सकती है। हमारे मसाला भून चुके हैं, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और धनिया भी चटकना बंद हो गई है। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडे होने पर मिक्सी में पीस लेंगे। हमने यहाँ पे 200 ग्राम सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया पहले ही। सरसों के तेल को हमें तब तक गर्म करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या फिर इसमें से धुआं ना निकलने लगे। सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर आपको सरसों का तेल का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह पर किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सरसों का तेल गर्म हो चुका है, सरसों का तेल का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारे सरसों का तेल से धुआं निकल रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सरसों का तेल ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने कैरी को 4-5 घंटे तक धूप में अच्छी तरह सूखा लिया था। आप देख सकते हैं कैरी को हमने जितना बड़े साइज में काटा था ये उससे आधी हो गई है सूख कर, और पीछे का हिस्सा बिल्कुल ग्रीन है। अब हम इसमें मसाला मिला देंगे। 1 चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी डाला था सुखाते टाइम। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी,
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सुखाते टाइम में हल्दी पाउडर डाला था। अब हम इसमें हमने जो मसाला भूनकर तैयार किया है वो वाली मसाला डाल देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे अलग से। अब हम इसमें जो हमने सरसों का तेल गरम किया था उस तेल ठंडा हो चुका है, अब हम उसे डाल देंगे। अब हमें इस अचार को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप अचार को हाथों से मिक्स ना करें, हमने अचार को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये अचार बिल्कुल रेडी है। आप इस अचार को किसी भी डब्बे में या फिर कांच की जार में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में किसी में भी रखें, लेकिन जिस किसी भी डब्बे में रखें उस डब्बे को अच्छी तरह गर्म पानी से धोकर उसे धूप में सुखा लें। ठंडे होने के बाद फिर उस डब्बे में रखें। अगर आपको अचार में तेल कम लग रहा है तो आप जिस किसी भी तेल का यूज़ करें उस तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें, उसके बाद तेल को ठंडा कर लें, उसके बाद ही इसमें डालें। कैरी को डब्बे में डालने के बाद में दो दिन बाद उसे एक बार ऊपर नीचे जरूर कर दें ताकि नीचे वाला कैरी जो अच्छी तरह पक जाती है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाले जो कैरी रहते हैं वो नीचे अच्छी तरह पक जाए।